विद्यार्थियों आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक भूगोल शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इकाई पढ़ रहे हैं द्वितीय सेकंड विद्यालय है विषय के रूप में भूगोल। और इसमें आज का हमारा प्रकरण जो है वह है कि पौष्टिक विकास के प्रमुख घटक हमने पढ़ा था और इसे पौष्टिक विकास के प्रमुख घटक भी कहा जाता है, जिसका नाम है इसका है भविष्य के घटक भी कहते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से घटक थे, हमने पहला पढ़ा था उसमें आसारे थे, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाए थे। पर कौन से थे इसमें था पहला था हमारा था आर्थिक घटक, कौन सा था आर्थिक घटक, सेकंड नंबर वो था दार्शनिक, दार्शनिक घटक, थर्ड नंबर था हमारा दार्शनिक के बाद में था परिस्थितीय घटक, परिस्थितीय घटक, सामाजिक घटक भी था, फोर्थ नंबर था सामाजिक घटक, हमने पढ़ा था इसके बारे में, पांचवा था हमारा राजनीतिक, घटक पढ़ा था हमने बहुत सारे हैं। तो हमने ये पढ़ा था, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वो है हमारा आज का है सांस्कृतिक घटक का नाम से मालूम पड़ता है कि इस वर्तमान समय के अंदर व्यक्ति या मानव अपने जीवन की हर प्रकार की पूर्ति के लिए या अपनी आवश्यकताओं के लिए हर वस्तु को जुटाता है। और वो कैसे करता है तो पौष्टिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक के अंतर्गत हमारे सांस्कृतिक घटक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं हमारे पर्यावरण व्यवस्था के प्रति होते हैं, जैसे कहा जाता है कि प्रत्येक जीव जंतु के संरक्षण हेतु तो विभिन्न प्रकार की परंपराओं का निर्माण किया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु विभिन्न प्रकार के संरक्षण के निर्माण के लिए किए जाते हैं। जैसे सांस्कृतिक पीपल के वृक्ष नाम सुना होगा, आम का वृक्ष है, पीपल का है, खेजड़ी है, आक है, इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं इनकी पूजा की जाती है। बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इसकी तो पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे बहुत सारे ऐसे जो पेड़ पौधे हैं इनके लिए एक आदम व्यक्ति अकादमी एकादशी व्रत रखते हैं, आवला जो व्रत होता है एकादशी व्रत होता है, इसके अंदर महिला अपने व्रत रखती है।
और अनेक अवसरों आने पर गाय और अन्य जीव जंतुओं की पूजा भी होती है। हमारे यहाँ तक कि नदियों की भी पूजा की होती है। संस्कृति भारतीय समाज के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, इन नदियों की भी पूजा होती है। व्यक्ति अपनी आस्था का आसमान है। जीवन के अंदर अपने हर प्रकार के दुख कष्ट जो होते हैं वो ईश्वरीय देर की वजह से उनको भोगना है और उन्हें दूर करने के लिए हम इन प्रकार के सांस्कृतिक जो नियम होते हैं, परंपरा है, उन परंपराओं को हम एक आस्था के तौर पर अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम इस प्रकार के रीति रिवाज को अपनाते हैं। कहा जाता है कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में ये जो हम सांस्कृतिक जो परंपरा है, ये परंपराओं का वास्तविक सहज रूप देखने को हमें मिलता है। हमारा समाज में प्रत्येक व्यक्ति स्वहित के स्थान पर सार्वजनिक हित के बारे में सोचता है। स्वहित के स्थान पर सार्वजनिक सभी जन इस स्थान पर आकर पूजा अर्चना करें, उनका लाभ उठावे, वो अधिक से अधिक लोगों का प्रचार होवे उनके बारे में कहते हैं। इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति का उपयोग, उसका भंडारण दूसरी पीढ़ी की आवश्यकता भी कहता है कि आने वाली पीढ़ी है इन परंपराओं को विस्तृत रूप देकर आगे इन परंपराओं को वंशानुक्रम चलाया जाए। इस प्रकार के पौष्टिक विकास में जीवन के अंदर इस प्रकार होता है। फिर आता है माध्यम, मानवीय मूल्य घटे की जगह मिलता है कि मानवीय मूल्यों को अगर आधार दिया जाए, मानवीय मूल्यों के अंदर देखा जाए तो पौष्टिक विकास का प्रमुख घटक माना जाता है। जैसे कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के साथ दूसरी आवश्यकताओं की दूसरी पीढ़ी की आवश्यकता को महत्व देते हैं कि आने वाले समय के अंतर्गत हम जिस वस्तु का या जिस सामग्री का उपयोग करते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए भी देखना चाहिए। मतलब स्वहित के स्थान पर सार्वजनिक हित का स्थान होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए अपेक्षा की जाती है कि हमारी पीढ़ी इन, जैसे हम कहते हैं कि हम बोलते हैं कि जो हम आसपास जो खेत खलिहान देख रहे हैं या फिर भौगोलिक वातावरण देख रहे हैं, इन भौगोलिक वातावरण को हम प्रकृति देख रहे हैं। आने वाले समय के अंदर व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेतों का आकार छोटा होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा खेत हमें देखने को नहीं मिलेंगे और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपने इन संसाधनों का दुरुपयोग न करे, इस खेती को बनाए रखे, प्रकृति को बनाए रखे, प्रकृति को जीवित बनाए रखना है। अगर इसको हमने कष्ट पहुंचाया तो जीवन के अंदर हम भी सुखमय नहीं हो सकते। कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति मानवीय विकास के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ध्यानपूर्वक संरक्षण हेतु वृक्षारोपण किया जाता है कि जीवन के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम ना हो, ये हमारे मानवीय विकास होता है। कहते हैं कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है, दान होता है, वो है मानव धर्म। हम सभी जीव जंतुओं को दान करते हैं, जीव जंतुओं को खाना खिलाते जो भी करते हैं, मगर साहित्यिक पुराणों के अंदर देखा गया है कि जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो मानवीय धर्म होता है। मानवीय धर्म के हमें एक सेवा करनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा धर्म पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जिन समाज में पर्यावरण मूल्यों का विकास तीव्र गति से हो रहा है उस समाज में पौष्टिक विकास की स्थिति है वो तीव्र है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण व्यवस्था के प्रति जागरूक है। एक पेड़ काटने की जगह 10 पेड़ों का उत्पादन करता है, बोता है, उसको रोता है। और जैसे एक व्यक्ति के द्वारा जब ये ठान लिया जाता है कि आने वाले समय के अंदर जो खाद्य पदार्थ है या प्रकृति द्वारा जो संसाधन हमें मिल रहे हैं,
जैसे तेल है, पेट्रोल के भंडार है, कोयला है, अपरग है, इनका इन क्षेत्रों से बोलते हैं पेट्रोल की जो भंडार है वो सीमित मात्रा में होता है। आज वर्तमान समय के अंदर हमारे जो पेट्रोल के दाम है वो जमीन से आसमान तक छूने तक पहुँच चुके हैं। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इस संसाधनों को बचाए रखने के लिए आज वर्तमान समय के नए वैज्ञानिक तौर पर ऐसे संसाधनों का उत्पादन कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं जो बिना पेट्रोल या बिना एनर्जी नहीं, बिना पेट्रोल से चल सके, नहीं इलेक्ट्रिकल, नहीं सोलर प्लांट के द्वारा। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, हमें कोयले को भी बचाना है, हमारे आसपास के भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखना है। तो उन क्रिया को बचाने के लिए पर्यावरण बेहतरीन, पर्यावरण बहुत ही भौगोलिक जगत को भौगोलिक पर्यावरण के वातावरण को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को हर प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, ये हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अगर आपको कहता है कि इन सभी पोषण विकास के घटक के बारे में अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो कहा जाता है कि पोषण विकास एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत समय जितने के अंदर घटक बढ़े आर्थिक, दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मानव ऊर्जा और प्रेरण मूल्य, इन सभी को व्यापक अस्तित्व रत्न है। पोषण विकास को समझने के लिए उस घटकों को विस्तार रूप से अध्ययन करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए हमने पढ़ा है पोषण विकास के प्रमुख घटक को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों का हमने अध्ययन किया और हम अगले वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे।